स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 40 में नजर आ सकते हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 40 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को शामिल करने के लिए ऑर्चर तैयार किया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और मुस्तफा अली को लेकर एक अपडेट सामने आया है। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुस्तफा अली के TNA में TNA एक्स डिवीजन चैंपियन होने के बावजूद उन्होंने किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ साइन नहीं किया है। फिलहाल मुस्तफा अली पर अपीयरेंस बेसिक पर है, उन्होंने किसी भी कंपनी के साथ साइन नहीं किया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और ड्रू मैकइंटायर के WWE कॉन्ट्रैक्ट पर एक अपडेट सामने आया है। PW इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रू मैकइंटायर ने अपने करीबी लोगों को बताया कि उन्होंने अभी भी WWE के साथ कोई नई डील साइन नहीं की है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और रेसलमेनिया 40 में कई लेजेंड नजर आएंगे। PW इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 में रिकीशी, अलिंड्रा ब्लेज, काउबॉय बॉब ऑर्टन और जेरी लॉलर ये लेजेंड नजर आएंगे। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक है और हल्क होगन रेसलमेनिया 40 में नजर आ सकते हैं। PW इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट वीक से ऐसी चर्चा चल रही है कि WWE रेसलमेनिया 40 में हल्क होगन को कुछ फैशन में शामिल करने पर काम कर रही है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक है और सेथ रॉलिंस का हील टर्न होने वाला था। द रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग रॉयल रंबल होने से पहले इस बात पर चर्चा हुई थी कि सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद उनका हील टर्न होगा। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आपसे देखने के लिए धन्यवाद।